हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर 24 घंटे ही क्यों होते हैं, और क्या आप ये जानते हैं कि 2050 तक हमारी ज़मीन का मंजर कैसा होगा। इसके साथ साथ क्या आप ये जानते हैं कि हमारी ज़मीन का वज़न कितना होगा? यकीनन नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हमारी ज़मीन के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर हम ज़मीन के साइज़ के बारे में बात करें तो ये साइज़ में बहुत बड़ी है और इसे मापना यकीनन नामुमकिन है। दोस्तों, ज़मीन पर लाखों करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पहाड़, जंगल, जानवर और पानी भी है, तो इसका टोटल वेट कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न मालूम करना नामुमकिन है, मगर साइंसदानों की एक टीम ने मुकम्मल रिसर्च की है। उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस और फार्मूला से नतीजा निकाला है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इन साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का वज़न 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। ये वज़न इतना ज़्यादा है कि हम इस वज़न के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट हमें तो ये भी मालूम नहीं कि इसमें कितने ज़ीरो आते होंगे। यकीनन ये बहुत हैरानकुन बात है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा से दिन में 24 घंटे नहीं हुआ करते थे? दोस्तों, कई हज़ार साल पहले दिन 21 घंटे का हुआ करता था, लेकिन इतनी सदियां गुजरने में ज़मीन में कई तब्दीलियां हुई जिस वजह से दिन लंबा होता गया और आज एक दिन 24 घंटे का है। इन तब्दीलियों की असल वजह जलजले वगैरह हैं, क्योंकि ज़मीन एक फ़्लो में काम करती है और जब जलजले आते हैं तो ये फ़्लो टूट जाता है और ज़मीन का गर्दिश करना स्लो हो जाता है, जिस वजह से दिन लंबा होता रहता है। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हर साल 1.7 मिली सेकेंड ज़मीन की स्पीड में कमी होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम सब सूरज को हर रोज़ देखते हैं और देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर है, इसलिए ये इतना छोटा लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है और इसका साइज़ ज़मीन से कितना बड़ा है? यकीनन नहीं। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक सूरज का डायामीटर ज़मीन के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख प्लैनेट इसके अंदर समा सकते हैं। अगर हम सूरज से ज़मीन के फासले की बात करें तो सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इसके साथ साथ साइंसदानों का कहना है कि सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर एक दिन भी सूरज ना निकले तो ज़मीन पर हर चीज़ बर्फ़ में बदल जाएगी और इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। यकीनन ये फैक्ट भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।